हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बारे में और साथ में इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये एक टाइप का क्रॉनिक और कंटेजियस डिजीज है जो कि कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से, और ये प्रीडोमिनेंटली इन्फेक्ट करता है लंग्स को, और इसी वजह से इसका नाम भी है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसकी एटियोलॉजी के बारे में देख लें तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये टाइप का एसिड फास्ट बैसिलाई होता है। तो इस डिजीज के ट्रांसमिशन के मोड्स के बारे में देख लेते हैं कि मतलब ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है। तो ये एक टाइप का एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, मोस्टली किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या फिर छींकने की वजह से। इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, अगर कोई सामने वाला पर्सन इनहेल कर लेता है या फिर इंजेस्ट कर लेता है ऐसे स्प्यूटम को जो कि बैसिलाई को कंटेन करता है, तब भी इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि रिस्क पे होते हैं इस डिजीज से सफर करने के लिए, मतलब इस डिजीज के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जो कि प्रीडिस्पोज कर देता है पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस से सफर करने के लिए, या फिर अगर वो पर्सन बिलोंग करता है पुअर या फिर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को और वो हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तब भी वो इंक्रीज्ड रिस्क पे होता है इस डिजीज से सफर करने के लिए। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हो गए या फिर अगर वो सफर करते हैं HIV इन्फेक्शन से या फिर एड्स के पेशेंट है उनमें भी ज्यादा रिस्क होता है। अगर किसी पर्सन में फैमिली हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की तब भी वो पर्सन इंक्रीज्ड रिस्क पे होता है ट्यूबरक्लोसिस से सफर करने के लिए। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है इस डिजीज के लिए, या कोई और डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है अगर पर्सन में ऑलरेडी तब भी वो प्रीडिस्पोज कर सकती है इस प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि अगर पर्सन डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर से सफर कर रहा है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रेजेंट है या रिसेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तब भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और ये सब भी प्रीडिस्पोज कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मिलने वाले सिम्टम्स के बारे में। तो बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और उनमें ट्यूबरक्लोसिस का डिटेक्शन होता है जब वो रूटीन रेडियोग्राफी के लिए जाते हैं या किसी और डिजीज के लिए वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, तब जाकर के सामने आते हैं कि अरे ये तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ग्रेजुअल ऑनसेट देखने को मिलता है सिम्टम्स का, कई हफ्तों में या फिर कई महीनों में इसके सिम्टम्स जो हैं उभर करके आते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें कफिंग की कंप्लेंट होती है मोर देन 2 वीक्स के लिए या फिर फीवर की कंप्लेंट होती है साथ में मोर देन 2 वीक्स के लिए, तो उनमें सस्पेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है ये पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का हो। अब इसमें मिलने वाले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में देख लें तो अगर पर्सन जो है उसमें कफ की कंप्लेंट है, परसिस्टेंट कफ है मोर देन 2 वीक्स के लिए, तब भी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट तो नहीं है। स्प्यूटम जो है उसका कैरेक्टर म्यूकॉइड हो सकता है, पर्युलेंट हो सकता है, यहाँ तक कि ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम भी प्रेजेंट हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। हिमोप्टिसिस प्रेजेंट हो सकता है, मतलब उस पर्सन के स्प्यूटम में ब्लड आएगा। पेन महसूस होगा चेस्ट में, ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी, लोकलाइज्ड वीजिंग साउंड सुनाई दे सकती है जो कि किस वजह से आती है, अगर कोई लोकल अल्सरेशन प्रेजेंट है किसी लंग के एरिया में उसकी वजह से ऐसी साउंड सुनाई दे सकती है। यहां तक कि नैरोइंग जो होती है मेजर ब्रोंकस की उसकी वजह से भी ये जो वीजिंग साउंड है ये हर्ड हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। अब कुछ मिलने वाले जनरल सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं तो पर्सन में वेट लॉस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, और फीवर जो है इसमें स्पेशली इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर ये तो मार्क्ड फीचर है ही ट्यूबरक्लोसिस का, और नाइट स्वेट्स प्रेजेंट होते हैं, पर्सन को बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, मेलीज, कुछ काम में मन नहीं लगेगा उसका, मेंटल बहुत ज्यादा इरिटेशन रहेगी, इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो फीमेल पेशेंट है तो उसमें एमिनोरिया देखने को मिल सकता है। ये तो थे ट्यूबरक्लोसिस में मिलने वाले कुछ कॉमन सिम्टम्स। अब इसके साइंस के बारे में देख लेते हैं तो पैलर, कैकेक्सिया अगर कोई एडवांस्ड केस है तब उस केस में प्रेजेंट हो सकता है कैकेक्सिया, और फीवर हो गया, टैकिकार्डिया हो गया, टैकेपनिया हो गया,
क्लबिंग ऐसे तो अनयूजुअली प्रेजेंट होती है क्लबिंग, लेकिन अगर कोई बहुत ही एडवांस्ड केस है, मतलब क्रॉनिक केस है जिसमें पर्लेंट स्प्यूटम प्रेजेंट है, तो उस केस में क्लबिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट में। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली मतलब उसका जो लिवर का साइज है या फिर जो स्प्लीन का साइज है उसमें एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, ये कुछ केसेस में प्रेजेंट हो सकता है अगर इन्फेक्शन वहाँ तक स्प्रेड हो गया। तब फिर लोकलाइज्ड व्हीजिंग साउंड सुनाई दे सकती है कि आ जाएगा वही लोकल अल्सरेशन की वजह से, या फिर अगर कोई मेजर ब्रोंकस है उसमें नार्विंग हो गई है तब भी ये साउंड सुनाई दे सकती है। अब देखते हैं हम लोग की ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कि मोस्टली ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में करवाए जाते हैं वो है ब्लड एग्जामिनेशन, स्प्यूटम एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबरक्लिन टेस्ट, कल्चर मेथड करवाया जाता है, या फिर कुछ अदर मेथड्स भी हैं जो कि पेशेंट्स में यूज किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस को। ब्लड एग्जामिनेशन देख लें सबसे पहले, तो उसमें मॉडरेट अनीमिया प्रेजेंट हो सकता है, WBC काउंट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी रिड्यूस मिल सकती है, या फिर जो ESR है क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है ट्यूबरक्लोसिस तो ESR की वैल्यू इंक्रीज रहेगी, CRP भी टेस्ट हो सकता है पेशेंट में। स्प्यूटम एग्जामिनेशन किया जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर करेंगे स्प्यूटम का तो उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। रिपीटेड स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो है वो किया जाना चाहिए, कॉन्सिक्वेंटली 3 डेज तक अर्ली मॉर्निंग का स्प्यूटम कलेक्ट किया जाता है बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ये जो एसिड फास्ट फैसलाय है इसकी माइक्रोस्कोपी करी जाती है जी लिल्सल स्टेनिंग के थ्रू, क्योंकि नॉर्मल स्टेनिंग से ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि एक एसिड फास्ट फैसलाय होता है इसलिए इसके ये एक स्पेशल स्टेन यूज किया जाता है जिसका नाम है जी लिल्सल स्टेन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो पेशेंट में एक्सरे करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन को, और कुछ सेरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी करवाए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को। ट्यूबरक्लिन टेस्ट ये करवाया जाता है, इसको मोंटॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ट्यूबरक्लिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन के प्रेजेंस को, लेकिन अगर ये टेस्ट नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये कंफर्मेटली बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाना चाहिए कंफर्म करने के लिए, रूल आउट करने के लिए कि पेशेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट नहीं है। कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है, एक क्लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया ये एक स्पेशल कल्चर मीडियम होता है डिटेक्ट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि PCR हो गया, ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी करी जा सकती है। अगर पेशेंट जो है उसमें स्प्यूटम अवेलेबल नहीं है डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को, तब फिर उसका लेरिंजियल स्वैब कलेक्ट किया जा सकता है, मॉर्निंग गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, और ट्रैकियोब्रोंकियल सक्शन किया जा सकता है। इस सब के थ्रू जो भी सैंपल आएगा उसको जी लिल्सल स्टेनिंग के थ्रू टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को। अब लास्ट में देख लेते हैं कि अगर ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को टाइम पर नहीं रोका गया तब फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं पेशेंट में। तो पेशेंट में हिमोप्टेसिस प्रेजेंट हो सकती है, लीरल इफ्यूजन, एम्पाइमा, न्यूमोथोराक्स, यहाँ तक के लेरिंजाइटिस हो गया। अगर कोई पर्सन जो है वो स्वैलो कर लेता है स्प्यूटम को तब फिर एंट्राइटिस मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है, कैविटी की प्रेजेंस हो सकती है ट्रीटमेंट के बाद भी लंग्स में, तो इसकी वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन जो होता है उन कैविटीज का अगर हो गया है फंगल्स के इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि एस्परजिलस ये मोस्ट कॉमन फंगस होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, तब भी ये डिजीज जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्प्रेड जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का बाकी ऑर्गन्स तक हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ की फंक्शनिंग भी जो है वो डैमेज हो जाएगी, और डिसफंक्शन की वजह से और ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ब्रोंकिएक्टासिस डेवलप कर सकती है पेशेंट में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, यहाँ तक कि स्कार कार्सिनोमा हो सकता है, और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर, एमाइलोइडोसिस, अनीमिया, ये सभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये था कंप्लीट शॉर्ट में समराइज किया हुआ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम पर्पस में भी आपको हेल्प कर सकती है वो आपको मिल जाए। तो ये था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।